प्रेम से बोलो जय माता दी। गणेश जी की पूजा के साथ हम नवरात्र की पूजा की आरंभ करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नवरात्र अब हमारा प्रारंभ हो चुका है और आज प्रथम दिन है शैलपुत्री माता का। तो इसमें हम अपना स्थापना, कलश स्थापना, पूजा पाठ सब मैं आदि आपको बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। तो अब मैं चलती हूँ। मैंने सबसे पहले एक कपड़ा लिया है, पहले मैंने अच्छे से आसन के नीचे पोछा मार लिया है और उसमें लाल कपड़ा मैंने बिछाया है और हल्दी से मैंने अष्टगल बनाया है। ये अष्टगल मेरा रेडी है। अब मैं इसमें रख दूँगी अपना आसन। ये देखिए, अब मैं आसन पाटा आप कुछ भी ले सकते हैं, आसन में आप लकड़ी का पाटा भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपना आसन माता के लिए लगा दिया है। अब मैं इसमें एक लाल कपड़ा बिछा दूंगी। आप या तो लाल कपड़ा ब्लाउज़ वाला जो पीस होते हैं, लाल ब्लाउज पीस भी आप ले सकते हो। ये मैंने बना बनाया आसन लिया है। अब मैं इसमें अपने नौ माता की फ़ोटो चुनरी उड़ा के स्थापित कर दूंगी और एक चावल का ढेर लूँगी, उसमें मैं गणेश जी को स्थापित करूँगी। ये देखिए मेरे गणेश जी, और चावल में मैंने हल्दी भी लिया है। तो अब मैं हल्दी से कलश के लिए राइट साइड में, माने बाएं साइड में एक अष्टगल बना रही हूँ हल्दी से कलश के लिए, उसमें मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो माता के दाएं साइड हमें कलश को रखना है। ये देखिए अष्टगल मेरा तैयार है। अब मैं इसमें कलश रखूँगी, चावल रखना है बीच में। ये देखिए थोड़ा सा मैंने चावल रख दिया है और अब मैं इसमें रख दूँगी अपना कलश। मैंने पानी लिया है, ये देखिए। अब इस पानी में मैं थोड़ा सा गंगा जल मिला दूँगी। ये मैंने गंगा जल मिला दिया है। अब मैं इसमें ले लूँगी हमारे हल्दी, कुमकुम। ये हल्दी और कुमकुम मैंने लिया है और इसमें चावल में थोड़ा सा चावल मैंने अच्छे तक मिलाऊँगी। ये देखिए, अब इसमें मैंने एक का सिक्का और फूल कलश के अंदर डालना है आपको। ये हो गया है मेरा। अब मैं अशोक के पत्ते ले रही हूँ, आप चाहे तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसे मैं हल्दी कुमकुम से टीका लगा लूँगी। यहाँ मैंने 5 अशोक के पत्ते लिए हैं। अब मैं इसे हल्दी और कुमकुम से टीका लगा के इसको कलश के अंदर हमें रखना है। अब यहाँ पर मैं पहले कलश में स्वास्तिक बनाऊँगी। ये देखिए, आपको कुमकुम और हल्दी लेना है, उसे स्वास्तिक बनाना है। तो मैं यहाँ पर कलश के ऊपर पहले स्वास्तिक बनाऊँगी। आप चाहे तो स्वास्तिक कलश को रखने से पहले भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने अच्छे से इसमें स्वास्तिक बना लिया है। ये मेरा स्वास्तिक रेडी है। ये स्वास्तिक अब बन चुका है। अब मैं इसमें अपना मूली बांधूंगी। कलश में हम मूली बांधेंगे। ये ऐसे आपको मूली लेना है और इस मूली को ऐसे बांध देना है। इसके बाद में अशोक के पत्ते, ये पहले मैं आपको नारियल दिखा देती हूँ। मैंने लाल चुन्नी लिया है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं। लाल चुन्नी में मैंने नारियल को बांध दिया है और उसमें मैंने अपना मूली बांधी है। अब मैं ऊपर इसमें टीका अक्षत चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे आपको कलश को के नारियल को ऐसे करना है। और अब मैं इसमें अपने अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, आम जो ले रहे हैं उसे जमा के इसके ऊपर मैं अपना कलश रख दूंगी। ये देखिए, आप कलश अगर सीधा नहीं रख रहे हैं तो आप इसे आड़ा भी रख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आप कलश रख सकते हैं अगर नारियल टिक नहीं रहा है तो कलश में। ये मेरा कलश हो गया। अब मैं सप्तमी का जो पाठ की, दुर्गा माँ की जो पाठ की किताब होती है, उसे भी मैं रखूँगी। अब मैं इसमें पान लूँगी, पान में हल्दी कुमकुम करूँगी और उसके ऊपर चावल और हल्दी वाला चावल मैं लेके उसके ऊपर मैं सुपारी रख दूँगी। सुपारी मैंने अर्पित कर दी है और इस पे मैं मौली वगैरह चढ़ाऊँगी। ये देखिए, मौली आपको
तोड़ के सुपाड़ी में और माता के चरणों में चढ़ाना है, और बाद में हम एक साथ इनकी पूजा करेंगे, माँ की सुपाड़ी कलश। अब मैं यहाँ पर लूँगी अपने श्रृंगार के सामान। श्रृंगार में मैंने चूड़ी, आलता, अपना लिपस्टिक और सिंदूर, नेल पेंट, काजल, ये सब लिया है। आप भी अपने हिसाब से पूरे श्रृंगार का सामान रखिएगा। मिठाई रखना है, फल फूल जितनी श्रद्धा है आप उतना ही रखिए। ये या तो आप 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिया है पंचमेवा। पंचमेवे में मैंने काजू, बादाम, लौंग, इलायची, बतासे और ये बहुत पूरे जो मैंने प्रसाद रखा है ये मैं पूरे 9 दिन रखूँगी, एक प्लेट में मैंने रख दिया है। ये देखिए, लौंग भी चढ़ाना है आपको। ये मैंने लौंग ले लिया है। अब मैं एक चावल का ढेर लूँगी सामने, जिसमें मैंने हल्दी और चावल का ढेर ले लिया है। इस ढेर के ऊपर मैं अपना दिया रखूँगी। ये देखिए, ये मैंने बड़ा सा दिया घी भर के रखा है। ये मैंने अखंड जोत नहीं ली है दोस्तों, आप चाहे तो अखंड जोत तेल रखिएगा, क्योंकि अखंड जोत हमें बुझने नहीं देना है, तो इसीलिए मैंने अखंड जोत नहीं ली है। ये मैंने नॉर्मल दिया है, ये मैंने दिया जला दिया है। अब मैं अच्छे से अपने भगवान की पूजा करूँगी। सबसे पहले आपको गंगा जल और जल दोनों को फूल और दुबे से, फूल से माता को और सभी भगवानों को पहले जल अर्पित करना है। उसके बाद आप टीका लगाएंगे माँ को। ये देखिए, माँ को आपको टीका लगाना है। पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ की पूजा करेंगे। माँ को तिलक लगाएंगे। सप्तमी जो दुर्गा सप्तमी पाठ है उनको भी टीका लगाएंगे। कलश, सुपाड़ी, सबको टीका लगाएंगे। उसके बाद हम जो हमने दिया लिया है उस दिए की भी हम पूजा करेंगे। ये देखिए, दिए की भी हमें पूजा करनी है। माँ की पूजा हो गई। हमने अक्षत, चावल, कुमकुम, फूल, सबसे हमें पहले पूजा करनी है गणेश की, फिर दिए की भी पूजा करनी है। उनको हल्दी कुमकुम लगाना है। ये देखिए, अब मैं माता को फूल अर्पण करूँगी। पहले तो गणेश जी को हम दुबा चढ़ा देंगे। ये देखिए, गणेश जी को दुबा चढ़ाने के बाद हम माता को फूल अर्पण करेंगे। तो माता को फूल अर्पण होने के बाद हम सभी देवी देवताओं को फूल अर्पण करेंगे। कलश को फूल अर्पण करेंगे हम। ये देखिए, हम अपने दिए के में भी हम फूल अर्पण करेंगे। ये अब इसके बाद मैं लूँगी हमारा जवारा वाला। जवारे में मैंने एक बर्तन लिया मिट्टी का, आप टोकरी भी ले सकते हैं। उसमें मैंने मिट्टी डाल दी है और थोड़ा सा पानी उसमें छिमक दिया है। अब मैं इसमें जवारा लूँगी। जवारे को चाहे तो आप पहले आधे घंटे के लिए गीले पानी में भी भिगो सकते हैं, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिया है क्योंकि अब मैं इसमें 9 दिन तक हम पानी ही डालेंगे। तो ये मैंने हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर सूखी मिट्टी डाल दूँगी, और सूखी मिट्टी डालने के बाद इसमें मैं पानी को छिड़क दूँगी। ये देखिए, आपको ऐसे सूखी मिट्टी से पूरे जवारे को ढकना है। ये देखिए, पहले ऐसे मिट्टी ना, या आप गीली मिट्टी भी डायरेक्ट ले सकते हैं, पर मुझे क्या अभी जल अर्पण करना है इसमें, इसलिए मैंने ऊपर से सूखी मिट्टी ली है। ये देखिए, हम राजस्थान में, इसलिए हमारे इधर रेतीली मिट्टी मिलती है। आप काली मिट्टी का यूज़ करिएगे तो बहुत अच्छे जवारे आएंगे। ये देखिए, अब मैं पानी इसमें अर्पण कर दूँगी जो गंगा जल वाला है। ये देखिए, ऐसे पानी डालने के बाद, क्योंकि 9 दिन हम लगातार इसमें पानी डालते रहेंगे, अब मैं इसमें अपना, इन्हें भी मैं पहले पुष्प और ये हल्दी कुमकुम करूँगी, अच्छे से चढ़ाऊँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी, और ये मेरा पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद
ये देखिए मेरे पुष्प वगैरह मैं इसमें अच्छे से चढ़ा दूँगी, ये हो चुका है। अब मैं एक थाली लूँगी और इस थाली में स्वास्तिक बनाऊँगी। ये देखिए आपको ऐसे स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम से हल्दी और कुमकुम मिक्स करके स्वास्तिक बनाना है। ये देखिए स्वास्तिक बना के आप जो हमने मिट्टी वाला बर्तन लिया जौ वाला, उन्हें धूप बत्ती करके इसे ढक के साइड में रखना है। कलश के जस्ट अपोजिट वाले साइड में आप इसे रख दीजिएगा। अब धूप करके, दिया हमारा हो चुका है धूप करके, अब हम अपना थाली आरती की थाली में रेडी करूँगी। आरती की थाली में मैंने यहाँ पर पान के पत्ते, उसमें कपूर, अक्षता, मेवे लिए हैं प्रसाद के लिए, और हल्दी, कुमकुम और ये सब फूल रख के मैं आरती करूँगी। पहले मैं दुर्गा सप्तऋषि का पाठ करूँगी, फिर उसके बाद प्रथम अध्याय करूँगी माँ दुर्गा का, उसके बाद मैं हवन लगाऊँगी। हवन में आप लकड़ी ले लीजिएगा आम के, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, और फिर उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो ये मेरा पूरा स्थापना से लेके लास्ट आरती तक और जवारा तक मैंने आपको पूरा अपने वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।